नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। मणिपुर में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सीआरपीएफ और पुलिस टीम पर किया हमला, एक जवान शहीद। उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार 46 साल बाद फिर से खोला गया। उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि मंदिर का रत्न भंडार खोलने के बाद जेवरातों और कीमती चीजों की सूची तैयार की जाएगी। दुनिया भर में रह रहे भगवान जगन्नाथ के भक्तों को काफी समय से इस पल का इंतजार था। मंदिर के रत्न भंडार के खजाने के लिए बड़े ट्रंक बॉक्स लाए गए हैं। साथ ही साथ सांपों की मौजूदगी की आशंका को लेकर स्नेक हेल्पलाइन के साथ ही मेडिकल टीम भी मौजूद रही। पंजाब के जलंधर उपचुनाव में जीते मोहिंदर भगत बनाए जा सकते हैं मंत्री, सरकार ने राज्यपाल से मांगा वक्त। लोकसभा में कांग्रेस ने गौरव गोगोई को बनाया पार्टी का डिप्टी लीडर। पार्टी द्वारा इस फैसले के बारे में एक पत्र अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा गया। केरल से 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश पार्टी के मुख्य सचेतक बने। इसके अलावा विरुद्धनगर के सांसद मणिकम टैगोर और किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद लोकसभा में पार्टी के सचेतक हो गए। कर्नाटक में डेंगू ने फिर डराया, इस साल अब तक 9,082 मामले, 7 लोगों की मौत। संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डलेवाल के नेतृत्व में किसान मोर्चे ने की बैठक, आंदोलन की रणनीति पर करेंगे विचार। पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डलेवाल के नेतृत्व में किसान मोर्चे की बैठक की गई। बैठक में किसान आने वाले दिनों के आंदोलन की रणनीति पर फैसला लेंगे। सभी किसान संगठन दिल्ली कूच करने के फैसले पर भी मंथन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए, जिसके बाद से बैठक की गई है। मैं सरेंडर नहीं करूंगा, जानलेवा हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया टेक्स्ट मैसेज। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में आयोजित एक रैली के दौरान गोली दागी गई। घटना में गोली उनके कान को चीरती हुई निकलती गई। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसके बाद चारों तरफ सनसनी मच गई। गोलियों की तेज आवाजें सुनाई देने के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के द्वारा उन्हें मंच से उतार दिया गया। हालांकि घटना में शूटर को मौके पर ही मार गिराया गया। हमलावर की पहचान पेंसिल्वेनिया के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू कुकर्स के रूप में हुई है। इस घटना पर ट्रंप का भी बयान सामने आया, उन्होंने जान बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसी को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि हमारे देश में ऐसी घटना अविश्वसनीय है। मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, एक जवान शहीद, 3 पुलिसकर्मी घायल। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने के दाम 73,900 रुपए, वहीं मुंबई में 73,750 रुपए प्रति 10 ग्राम बने हुए। ब्लड कैंसर से जूझ रहे दिग्गज भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ की मदद के लिए आ गया है बीसीसीआई, इलाज के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। टाटा बीएसएनएल की डील से जियो एयरटेल को होगा भारी नुकसान, देश के कोने कोने तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद लोग बीएसएनएल की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच टीसीएस और बीएसएनएल की डील ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है। खबर आ रही है कि टीसीएस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। दोनों मिलकर भारत के 1,000 गाँव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगी। इससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। इमरान खान और बुशरा बीबी फिर गिरफ्तार, नए तोशखाना मामले में एनएबी ने जेल से किया था गिरफ्तार। फर्जी निकाह केस में इस्लामाबाद कोर्ट से किया था बरी। चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, 12 साल की उम्र में राजनीति में उतरे थे। ओली और देउबा के बीच हुई डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी बारी पीएम पद पर बने रहेंगे। सरकार चलाने के लिए दोनों के बीच 7 पॉइंट्स का एग्रीमेंट बना हुआ है। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष बड़ोली ने संभाला कार्यभार, सीएम ने मंच पर लहराई गदा। पूर्व मंत्री ग्रोवर बोले, कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। कांग्रेस भाजपा के बागियों पर इनेलो जेजेपी की नजर, दोनों दलों के पास 90 जिताऊ कैंडिडेट की कमी, निर्दलीय को भी साथ लाने की कोशिश। हरियाणा के रिटायर्ड एडीजीपी बोले, यूपी तर्ज पर एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों का अंत निश्चित है। सीएम सैनी ने कहा कि गैंगस्टरों को कुचल देंगे। हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान, शैलजा की प्रस्तावित यात्रा देख हुड्डा ने बेटे को किया आगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकालेंगे गांव-गांव पद यात्रा। रोहतक में सीएम सैनी के बयान पर पलटवार, पूर्व सीएम हुड्डा बोले, 10 साल बाद याद आए अपराधी। हरियाणा में हर दिन होती है हत्याएं, इनेलो बसपा है वोट कटवा।
हरियाणा के गुरुग्राम में बच्चे को कार ने कुचला, स्कूल से लौट रहा था घर, दोनों टायर ऊपर से गुजरे, सीसीटीवी सामने आया। भिवानी की युवती को दहेज के लिए किया प्रताड़ित, 20 लाख रुपए ना देने पर घर से निकाला, एफआईआर की गई दर्ज। हरियाणा के पानीपत में झमाझम बारिश, 18 जुलाई के बाद सक्रिय होगा मॉनसून, नहीं चलेगी पूर्वाई, उत्तर पश्चिमी हवा से बढ़ेगा तापमान। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें, कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।